देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पनीर कैसे बनाते हैं। ये हमने दूध लिया है, हमारा 1 किलो दूध है। और ये देखिए दोस्तों, हम इसे गर्म कर लेते हैं। दूध में उबाल आ गया है। और ये देखिए, इसमें हम एक नींबू डालेंगे और नींबू डालने पर ये फट जाएगा। ये देखिए, हमने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, चलाते ही ये दूध फट जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पनीर बनना शुरू हो गया है। ये दूध फटने लगा है, ये देखिए दूध फट गया है। और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम इसे एक सूती कपड़े में या आप रेशमी कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। ये हमने इसे थोड़ा सा गरम करके पूरी तरह से फाड़ लिया है। दूध एकदम बढ़िया सा फट गया है और इसे अब हम सूती कपड़े में छान रहे हैं। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही पनीर है, यही पनीर बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि इसमें से जो नींबू का खट्टापन है वो दूर हो जाएगा। इसे साफ पानी से हमने धो लिया है। और दोस्तों, इसे हम अब निचोड़ लेंगे। हमें इसका पानी बिल्कुल निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसे धीरे धीरे करके निचोड़ेंगे। और ये देखिए, पनीर में जितना भी पानी है वो सारा निकल रहा है। और उसके बाद में आप इसे लगभग 2-3 घंटे के लिए या तो किसी चीज़ पर टांग दीजिए, या फिर आप इस तरह से हमने इसे चकले से दबा दिया है। और लगभग 2-2.5 घंटे बाद देखिए दोस्तों, हमारा पनीर तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए।